So hello friends, this video is about all this. So हाँ ये video इसी के ऊपर है balancing भी power board. तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया बिंदा शक्का होना भी चाहिए. तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में. आज है डे 5 वीडियो 5. सो दिस इज गोइंग टू बी अ 30 डेज 30 वीडियोस चैलेंज. तो आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल रखने वाला हूँ. एक प्रोडक्ट के ऊपर है जो मैंने 5 साल पहले खरीदा था. 5 ईयर बैक. सोच रहे हो कि मैं ये कैसे चला रहा हूँ? इसको चलाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है. सिर्फ और सिर्फ आपको बस सेंसर्स में प्रेशर इक्वली बैलेंस करना है, तभी इसे बैलेंसिंग व्हील के नाम से जाना जाता है. हावर्ड बोर्ड है ये, जो मैंने 5 साल पहले खरीदा था जब इसका नाम निशान नहीं था यहाँ पर. मैं इजीली इससे उतर गया हूँ. क्वाइट हैवी, 13 kg का है, क्योंकि मैं प्लेन से लाया था जैसे दुबई से, तो मुझे वेट इसका अच्छे से याद है. दिस इज आवर टू. Two, three, ready. स्वागत है आपका इस वीडियो में. इस वीडियो में हम बात करेंगे बैलेंसिंग व्हील, जो कि आप हावर्ड बोर्ड के नाम से जानते हो, जो कि आप स्कूटी भी कहते थे इसे बाहर, तो मतलब जहाँ से मैं लाया था दुबई में इसे स्कूटी भी कहते हैं. हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं हावर्ड बोर्ड के बारे में. इसमें कितना वेट हम पुट ऑन कर सकते हैं, मतलब कितने वेट का बंदा इसमें चढ़ सकता है. तो 10 किलो से लेके 110 किलो तक का बंदा इसमें चढ़ सकता है, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई 80-90 तक का ही चढ़े. दूसरा पॉइंट, इसे चलाना आसान है, बहुत आसान है. फर्स्ट टाइम आपको शायद थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं इसे चलाने में, और लोग डरते भी हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता बैलेंस बनाना कैसे है. बट अगर आप 2-3 बार इसमें चढ़ोगे तो आपको आ जाएगा, इतना हार्ड नहीं है. मैं कुछ क्लिप दिखाता हूँ. जब मेरे कजन्स इसमें फर्स्ट टाइम चल रहे थे, उसकी है ये 4 साल पहले की क्लिप है. अब आगे क्यों चलाएगा? तो आगे जाएंगे. देखी, बहुत बढ़िया, मजा आया.
इसका फायदा है, एक अलग इम्प्रेशन पड़ता है जब लोग देखते हैं आपके पास एक यूनिक प्रोडक्ट है। जब मैंने लिया था 5 साल पहले फ्रॉम दुबई, तब इंडिया में किसी को इसके बारे में पता ही नहीं था। अभी भी आप ऑनलाइन इसके प्राइस चेक करो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो काफ़ी कॉस्टली चीज है ये। तो ये किस्सा दुबई से स्टार्ट हुआ था और 5 साल हो गए हैं, अभी भी चलता है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। मेरे में बैटरी की इशू आई है, चार्जर खराब हो गया है, पर कोई नहीं, इसीलिए मैं ज़्यादा चला नहीं पाया, बट मैं पुरानी आपको कुछ क्लिप दिखाऊंगा। एक इम्प्रेशन पड़ता है, एक इम्पैक्ट पड़ता है जब कोई बंदा देखता है आपके पास एक यूनिक प्रोडक्ट। बाकी बस इसका एक्सपीरियंस ये है कि स्टार्टिंग में तो मुझे इसमें काफ़ी लगाव था कि मैं लेके आया था, पर धीरे धीरे कुछ भी पड़ा हो ना, मन हट जाता है, अब ज़्यादा यूज़ नहीं करता मैं इसे, ऐसा ही है बस, बढ़िया बंदा अच्छा था। आज की वीडियो थोड़ी छोटी थी बट मज़ेदार थी, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर दो, दिल खोल के कर दो यार, चैनल में मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर दो। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ, नहीं पसंद आ रही तब भी आप बता दो, तब मैं अच्छा कंटेंट लाऊँ, क्योंकि मेहनत लगती है। You can check it out anyway, where you want. Oh shit, my head gir gayi. But it's really good. Chalo, main try karta hu apni head uthane ka isse.